क्या कवर किया हमने लास्ट टाइम? क्लासिकल। तो आप यहाँ समझ लें थोड़ा सा, देखिए प्लासी का युद्ध जो था, यह एक भारत में पहला युद्ध था अंग्रेजों का, विस्तारवादी नीति का पहला युद्ध था। पहले वह जो व्यापार कर रहे थे, व्यापार के माध्यम से विस्तारवादी नीति करते, धीरे 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 व्यापार को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस युद्ध के माध्यम से इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर दिया। अर्थात जहां एक व्यापारी हुआ करता था किसी अन्य देश से आया हुआ व्यापारी, और वो भारत पर क्या करने लगा, शासन करने लगा। अभी यहां तो एक शुरुआत थी बस। तो अब यहां समझ लो कि इस प्लासी का युद्ध जो था, मैंने क्या बताया, छल और कपट से लड़ा गया युद्ध था। अकेला सिराजुद्दौला था और उसके तरफ चारों तरफ क्या थे, उसकी पारिवारिक समस्याएं थी, इसके अलावा अंग्रेज लोग थे। तो इस प्लासी के युद्ध में अंततः छल कपट से लड़ा गया, कैसे भी मान ले, इस युद्ध में अंततः बंगाल के नवाब की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद अब देखिए, अब इसका सेनापति कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर ही तो है, आपको पता है इसके बारे में, मैंने बताया था। मीर जाफर जो था यह देशद्रोही व्यक्ति था और इसने इसके साथ अच्छा नहीं किया। इसे लगता था कि अगर सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी तो मैं यहाँ का क्या बन जाऊंगा, नवाब बन जाऊंगा। जब यह नवाब बनेगा तो अब यहीं से हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात, यहाँ तक तुमने सब समझ लिया था। मीर जाफर इसका सेनापति था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मीर जाफर था इसके क्या किया कि इसे तुरंत बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब ये बंगाल का नवाब तो बना, लेकिन इसके सामने इतनी परेशानी आने लगी कि यह इससे तो सेनापति अच्छा था, क्योंकि अंग्रेज लोग किसी के सगे नहीं होते। और अंग्रेजों ने कह दिया था कि हमने देख तुझे नवाब बनाया और हमने युद्ध लड़ा है, और युद्ध लड़ा है तो बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं, इसीलिए तुझे युद्ध का क्या देना होगा, हर्जाना देना होगा। युद्ध के हर्जाना के अलावा तुझे क्या देना होगा, प्रतिमाह प्रतिवर्ष हमें पेंशन के रूप में पैसा भी देना होगा। तो आप यकीन मानिए कि इन अंग्रेजों ने जो बंगाल का राजस्व था, जो पूरा वित्तीय विभाग था, उसे पूरा खाली कर दिया था। और तो और ये जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, इसके घर के बर्तन तक बिच गए थे, लेकिन अंग्रेजों का कर्ज खत्म नहीं हुआ था, इतना पैसा खा लिया था। अर्थात कहने का मतलब हुआ, जो बंगाल था एक समृद्ध राज्य था, अब वह धीरे धीरे क्या होने लगा, घटने लगा, उसका राजस्व कम होने लगा। तो यहाँ पर जो मीर जाफर था यह भी क्या हो गया, परेशान हो गया, पूर्ति नहीं कर पा रहा था मीर जाफर। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जब अंग्रेजों को लगा कि इस मीर जाफर के पास अब कुछ नहीं है और ना ही इसमें कोई योग्यता कि यह अपने यहाँ के बंगाल के नागरिकों से क्या ले ले, कर ले ले, टैक्स ले ले, तो जब इन्हें लगा कि मीर जाफर तो बिल्कुल कैसा व्यक्ति हो गया, बिल्कुल ये अपने यहाँ से वसूल भी नहीं कर सकता, अर्थात यह तो एक कठपुतली की तरफ बैठा ही रहता है। तो जब इन्होंने इसे योग्य नहीं समझा, तो आप नोट करेंगे मीर जाफर को 1760 ईस्वी में इसके पद से हटा दिया गया। 1757 में बैठाया गया इसे और 1760 ईस्वी में इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 3 वर्ष तक ही रहा ये, पूछ लिया जाता है कभी कभी, मात्र 3 वर्ष तक मीर जाफर बंगाल के नवाब के पद पर रहा और इसने बंगाल के पूरे राजस्व को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। एक भी पैसा नहीं बचा था बंगाल में, समझना है। देखिए अब यह 1760 तक रहा। अब 1760 में जब ये रहा तो जो क्या था, अब जब अंग्रेजों को क्या लगा कि अभी कोई काम की चिड़िया नहीं है, सब बेकार है, यह बंगाल के नागरिकों से पैसा भी नहीं लेता है, इसे सबसे डर लगता है, निकलता ही नहीं था बाहर ये, तो इन्होंने क्या किया, अब इसे यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। और इसे हटाने के बाद ऐसा नहीं है कि इसे मार दिया या कोई कैद कर दिया, इसे क्या कर दिया, 15,000 रुपए प्रति माह की पेंशन पर इसे क्या कर दिया, अपने पास रख लिया। यह किस पर रख दिया गया, पेंशन पर रख दिया, कि आपको पेंशन मिलेगी और आप आराम से क्या रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह इसमें भी खुश था, 15,000 रुपए इसमें भी यह बहुत खुश था, बहुत खुश था यह इसमें। तब आप ध्यान रखेंगे यहीं पर एक नया सेनापति बैठा जिसका नाम था मीर कासिम। कौन बैठे हैं हम, मीर कासिम। अब मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बना, जो कब बना, 1760
साठ में बना और 1760 से कहां तक रहता है 63 तक रहता है, 1760 से कितने तक रहता है 63 तक रहता है, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ ना तो ये 63 तक ही रहा था। अब देखिए जब रॉबर्ट क्लाइव जो था यह भारत में था, रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी का युद्ध लड़ा था और रॉबर्ट क्लाइव को क्या हुआ इससे बुला लिया गया कहां ब्रिटेन, 1760 में इसे पद पर बिठा गया रॉबर्ट क्लाइव और इसे यहां से बुला लिया गया कि अब आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है, आप सेवानिवृत्ति पर हो, और तुरंत इसे बुला लिया गया ब्रिटेन में। अब ये रॉबर्ट क्लाइव तो यहां से चला गया और इसके स्थान पर एक नया गवर्नर बनकर आया जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। इसका क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। आप यहां ध्यान रखेंगे कि जब रॉबर्ट क्लाइव को वहां बुलाया गया तो उस समय यहां का पद क्या हो गया था? खाली हो गया था और रॉबर्ट हेक्टर मुनरो जो था यहां पहले नहीं आया था, यह पहले नहीं आया था। तो कुछ समय के लिए समझना, देखो कुछ समय के लिए रॉबर्ट क्लाइव चला गया कहां? ब्रिटेन। और ये जो हेक्टर मुनरो जो था यह आया भी नहीं था, तो कुछ समय के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था बॉलबेन। जिसका क्या नाम था? बॉलबेन। इसने कुछ समय के लिए यहां की सत्ता संभाली बंगाल की। तो हम कह सकते हैं कार्यवाहक क्या था? गवर्नर था। यह भारत का पहला कार्यवाहक गवर्नर था। बस कोई नियुक्त नहीं था कंपनी की तरफ से। क्या था कि जैसे आप बोल दिया एक व्यक्ति यहाँ का प्रमुख है और ये कहीं बाहर चला जाए तो क्या होगा, उसके स्थान पर उससे थोड़ा सीनियर जो होगा उस ग्रुप का जो सीनियर व्यक्ति होगा वह कार्यवाहक संभालेगा। और यह व्यक्ति जो था बॉलवेल जो व्यक्ति था यह बिहार क्षेत्र पर अपना कंट्रोल रखता था। और जब ये बिहार क्षेत्र पर रखता था तो आप यहां ध्यान रखेंगे मीर कासिम को ऐसे ही नहीं बनाया गया, मीर कासिम को ऐसे ही नहीं बनाया गया नवाब। इसके सामने भी चुनौतियां थी और इसके सामने भी शर्तें थी। और पहली शर्त यह थी इसके सामने कि आप यहां ध्यान रखेंगे कोलकाता के आसपास के तीन प्रमुख सिटी थे उन पर पूरा अधिकार जो होगा, किलेबंदी जो होगी वो किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। और इसमें वो जो है कौन? मीर कासिम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहली शर्त यह रहेगा। दूसरी शर्त यह थी कि यह जो बॉलवेल कौन है? कार्यवाहक है। इससे क्या देगा? ये 27,000 रुपए पौंड के रूप में रिश्वत के रूप में देगा मीर कासिम। और जो एक्टर नंबर आने वाला है इसे भी यह 13,000 पौंड, पौंड का मतलब समझ रहे हो? हाँ, 13,000 पौंड किसे देगा? हेक्टर मुनरो को देगा। तब आपको इसको क्या बनाया जाएगा? बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो इस मीर कासिम ने बोल दिया ठीक है मैं ये सब शर्तें मंजूर करता हूं और आप क्या मुझे नवाब बना दो। अब ये यहाँ का नवाब बना दिया, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें थी मीर कासिम की। और मीर कासिम ने कहा था मैंने आपकी हर शर्त मानी लेकिन आपको मेरी शर्त यह माननी होगी कि अगर मैं कोई भी काम बंगाल के अंतर्गत करता हूँ, इंटरनल वर्क कोई भी करता हूं, तो आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। मैं बंगाल पर कितना टैक्स लगाता हूं या टैक्स फ्री करता हूं, लेकिन आप क्या नहीं करोगे? हस्तक्षेप नहीं करोगे। और यहां दोनों के बीच यह क्या मध्यस्थता की बात होती है और यहां पर यह क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। और यहां बॉलवेल जो था वो क्या था? कार्यवाहक। और यह पहले पटना बिहार में क्या करता था? नेतृत्व तो करता था सेना का, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए बंगाल बिहार और उड़ीसा इन सब पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो अब यहां देखिए मीर कासिम जो था इसने इनकी पूरी बातें मानी लेकिन अंग्रेज इसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। वह उस समय दिल्ली में जो शासक बैठा हुआ था मुगल सम्राट वह सहारनपुरी था। कौन था? सहारनपुरी। और वह एक कठपुतली की तरह शासक था, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था, ना कोई सेना का नेतृत्व था उसके पास, ना ही कोई सेना संगठित थी। तो आप यहां ध्यान रखेंगे तो इन अंग्रेजों को उससे कोई डर नहीं लगता था। डर तो सिर्फ किसका रहता था? मीर कासिम का। क्योंकि अगर सिराजुद्दौला के बाद जो भी बंगाल का नवाब सबसे समृद्ध शासक हुआ वो मीर कासिम ही हुआ था।
इसके पास बहुत रणनीतियां थी और बहुत योग्य व्यक्ति था। तो अब यहां समझ लीजिए कि इस मीर कासिम जो था, इसने कहा था आप इंटरनल कोई नहीं करोगे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, जब ये टैक्स को बढ़ाता था बंगाल में, क्योंकि देखो पहले मीर जाफर ने पूरे बंगाल को कंगाल कर दिया था, उसका पूरा राजस्व दे दिया था, तो अब इसके सामने चुनौती थी ना कि अर्थव्यवस्था बंगाल की सामान्य है, तो ये टैक्स बढ़ाता था तो ये सबसे पहले पहुंच जाते थे कि आपने टैक्स बढ़ाया तो 50% हमें दीजिए, जबकि ये तय हुआ था कि आप इंटरनल प्रोपोर्शन करेंगे। इसने बंगाल के अलावा अगर बिहार में भी क्या टैक्स बढ़ाया तो ये बिहार में भी पहुंच जाते थे। तो यहाँ बॉर्डे नामक व्यक्ति था और इससे यहाँ से गुस्सा आ जाता और इसे पता था कि मुझे युद्ध तो करना ही होगा। बक्सर का युद्ध प्रारंभ होने से पहले यह 4 युद्ध लड़ लिए थे इसने अंग्रेजों के साथ, पर वो कैसे युद्ध थे, बहुत छोटे छोटे युद्ध। आप यहाँ ध्यान रखेंगे इससे जब इसने बिहार पर भी इस बॉर्डे ने क्या कर दिया, इसे टैक्स नहीं लगाने दिया, तो इसके साथ कितने 150 व्यक्ति थे, किसके साथ, अंग्रेज था ये, और इन 150 व्यक्तियों को पटना में क्या कर दिया गया, कैद कर लिया गया, मारा नहीं, क्या कर दिया, कैद कर, किलेबंदी में कैद कर दिया गया। और जब कैद कर दिया गया तुरंत की तुरंत इसके समेत कैद हुए, तो तुरंत कौन आ गया यहाँ पर, हेक्टर मुनरो आ जाता है, जो कि स्थायी रूप से यहाँ का क्या बनकर आया, गवर्नर बनकर आया बंगाल का। और देखिए ऐसा नहीं है रॉबर्ट क्लाइव पहले आया था, फिर कौन आ गया, हेक्टर मुनरो, फिर तीसरी बार भी कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव आता है, तब आता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ हेक्टर मुनरो आ जाता और हेक्टर मुनरो आया तो तुरंत आप ध्यान रखेंगे इसने घोषणा कर दी कि अब हम आपको उनसे क्या करना होगा, युद्ध करना होगा, या फिर हमारे जितने भी अधिकारी हैं ये 150 अधिकारी, इन्हें आप क्या कर दो, मुक्त कर दो। अब मीर कासिम को पता था कि युद्ध तो होना ही है, अब नहीं तो फिर, तो इसने क्या किया, उसे भयभीत करने के लिए, क्योंकि एक नया व्यक्ति था, उसे भयभीत करने के लिए क्या कर दिया, कि ये जो 150 व्यक्ति थे इन 150 व्यक्तियों को क्या कर दिया, मार दिया था। इसी को कहा जाता है पटना हत्याकांड, क्या कहा जाता है, पटना हत्याकांड, पूछ लेता है कभी कभी, बोल देते ज्यादा डीपली नहीं बोलता ऐसे। पटना हत्याकांड क्या था कि जिसमें बंगाल के साथ साथ मीर कासिम ने 150 व्यक्तियों को मार दिया था, वही था पटना हत्याकांड, क्लियर। चलो देखो कौन सी ईस्वी में, क्या कौन सी, 63 में था पूरा। अब हटने वाला था मीर कासिम, अब देखिए, अब जब हेक्टर मुनरो को पता चला क्या किसने तो हमारे जितने भी अधिकारी थे छोड़ने के अलावा क्या कर दिया, मार दिया उन्हें, और जब इन्हें मार दिया तो अब देखो इससे भी गुस्सा आ जाती है और यह क्या कर देता है, घोषणा कर देता है युद्ध की, अब आपको हमसे क्या करना होगा, युद्ध होगा। उससे पहले मीर कासिम ने क्या कर दिया था, रणनीति बना ही ली थी पहले ही, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उसकी राजधानी कहां थी, मुर्शिदाबाद, उसकी राजधानी कहां थी, मुर्शिदाबाद थी, और मुर्शिदाबाद तो बिल्कुल कंगाल हो गया था, यहाँ की जनता ना पैसा देना चाहती थी ना कुछ भी, क्योंकि पहले से मीर जाफर ने क्या कर दिया था, उसे लुटा दिया था। और जब मीर कासिम शासक बना, यहाँ का नवाब बना, तो इसने अपनी राजधानी यहाँ से बदल दी और उसे कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया, बिहार में वही है, ठीक है ना, कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए इसे बदलने के कई कारण हुए। पहला कारण तो हुआ कि यहाँ की जनता जो थी वो बिल्कुल निर्बल हो चुकी थी, बिल्कुल गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए। दूसरी बात कि अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें, अंग्रेजों के इस क्षेत्र की बहुत जानकारी हो चुकी थी, तो इसीलिए अपनी राजधानी कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। अब जैसे ही मुंगेर ले गया था मीर कासिम, तो मैंने आपको बताया भी था जिसे पता था युद्ध होने वाला है, तो उससे पहले इसने मुंगेर में क्या कर दी, फैक्ट्री स्थापित कर दी, और वो फैक्ट्री किसकी थी, गोला बारूद और जो बंदूक होती तोड़ने वाली बंदूकों की थी, सबसे पहली बार भारत में तोड़ने वाली बंदूक जो बनी थी वो कहाँ बनी थी, मुंगेर में, तोड़ के आज भी तो करते हैं उसमें कारतूस डालते हैं तोड़ने की, तो वो सबसे पहली ही कहाँ बनी थी, मुंगेर में। तो आपको बता दूं यह तोपों का निर्माण करना चाहता था लेकिन तोप नहीं बना पाया था, क्योंकि अंग्रेजी सेना के पास तोप पूरे थे और यह तोपों का निर्माण और गोला बारूद का ही निर्माण कर रहा था, यह सिर्फ बंदूक बना पाया था। तब तक हेक्टर मुनरो कहां पहुंचा, मुर्शिदाबाद पहुंचा,
और मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद जब इसे पता पड़ा कि ये यहाँ नहीं है तो तुरंत कहाँ चला गया, मुंगेर चला गया। और यहाँ मुंगेर में मीर कासिम को पता पड़ा कि हेक्टर मुंडो अपनी सेना लेकर पूरा आ रहा है, तो इसे लगा कि अभी मेरे पास ना तो इतनी सेना है, ना इतनी शक्ति है, ना पैसा है कि जिससे मैं युद्ध लड़ सकूं। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे यह मुंगेर से चल देता है और सीदा कहां पहुंचता है, दिल्ली के शासक किसके पास, सहारनपुर। ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले, थोड़ा सा और समझ लो। यह सब फिर कहां पहुंचता है, सहारनपुर द्वितीय के पास पहुंचता है। और सहारनपुर द्वितीय एक कैसा राजा था, निवल राजा था, कुछ नहीं था। यह जितने भी मुगल सम्राट, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हुए औरंगजेब के बाद, सभी कैसे के कैसे रहे, बेकार। भारत में अंग्रेजों का जो वर्चस्व रहा वो किसके कारण हुआ, इन्हीं के कारण हुआ, मुगल सम्राटों का। एक भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो सामना कर सके। तो आप यहां ध्यान रखेंगे सहारम तीर था, यह मीर कासिम तुरंत इसके पास पहुंचता है और बोलता है कि देखो बंगाल जो है तो आपके ही क्षेत्र में, और मैं भी क्या आपका एक दूत था, लेकिन ये अंग्रेजों ने ऐसी नीति चला दी है कि आने वाले समय में वो दिल्ली तक आक्रमण कर लेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सहारनपुर द्वितीय था, इससे लगा कि हाँ युद्ध करना चाहिए हम लोगों को। तो ये मीर कासिम और सहारनपुर द्वितीय क्या हो जाते, दोनों एक साथ हो जाते। और ये दोनों जैसे मिले आगे की तरफ चले तो सहारनपुर द्वितीय ने बोला देखो भैया ये कौन है हमारे दूत, जिनका क्या नाम है अवध के, और जिनका क्या नाम है सुजाउद्दौला। इसका क्या नाम है सुजाउद्दौला। अब देखिए यहां से यह सुजाउद्दौला के पास पहुंचते हैं दोनों के दोनों, और सुजाउद्दौला को भी यहां से उठाते हैं और इसकी भी सेना लेते हैं, और इसकी सेना लेने के बाद तीनों सेना के लिए शामिल हो जाते हैं। अवध को आज लखनऊ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पहले लखनऊ का नाम क्या था, अवधी था। तो अब देखो एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ तीन लोग, ये मीर कासिम, सुजाउद्दौला और सहारनपुर। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और आपके कौन है सहारनपुर, तीनों बिहार की भूमि पर आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन जो सुजाउद्दौला था इसकी बड़ी शर्तें थी मीर कासिम से कि हम आपका युद्ध में साथ देंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, बहुत बड़ा काम करना होगा। काम यह करना होगा कि आपको हर महीने 60,000 रुपए तो हमें देने होंगे जीतने के बाद, दो वर्ष तक। किसने कहा था, सुजाउद्दौला। समझ रहे बात, यही से युद्ध में हार मिलती है इसे। 60,000 रुपए तो आप पर मंथ मुझे पेंशन के रूप में दोगे, और उसके अलावा जितने भी सैनिक क्या हुए मारे गए उन सब के परिवार वालों को कितना दोगे, 10,000 दोगे पर मंथ। इसके अलावा कि बंगाल में जितने भी संगठित क्षेत्र हैं उन पर जितना टैक्स लेते हैं उसका 50% किसे दोगे, हमें दोगे। अब देखिए पहले से ही बंगाल को तो बेकार कर दिया था। ये तीन शर्तें किसकी थी, अपचा कौन। अब इसने बोला मैं क्या मांगूंगा, इसके पास क्या है, वैसे भी मेरे पास बहुत है दिल्ली में सब कुछ, इसने कुछ नहीं मांगा। आप यहां ध्यान रखेंगे मीर कासिम को देश को बचाना था, बंगाल को बचाना था, इसलिए बोल दिया हाँ जो कुछ भी मेरे पास होगा मैं दे दूंगा, आप युद्ध लड़िए, ठीक है ना। अब लेकिन अंग्रेज लोग जो थे वह पहले से ही सुजाउद्दौला को बुला लिया और सहारनपुर द्वितीय को बुला लिया, दंडकारण्य पठार। कहां पड़ता है, कहां पड़ता है दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। एक मुलाकात होती है इनके बीच में, और जब मुलाकात हुई ना बोले कितना चाहिए तुम्हें, सुजाउद्दौला बोले 60,000 बोला है उसने, बोले हम 1,00,000 देंगे। चिंता क्यों कर रहे, बोले पेंशन कितनी है 10, बोले हम 20 देंगे, बोले यहां कितना है 50%, अगर हमारा बंगाल पे विजय हुआ ना तो हम 70% देंगे। और फिर इससे बोले देख सुन वृद्ध हो चुका तू,
तेरे पास सेना नहीं है, एक मिनट में यही मीर कासिम अगर जीत गया ना तो दिल्ली पर भी आक्रमण कर लेगा। हम तुझे वचन देते हैं कि आने वाले समय में तुम पर कोई क्या नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, और कोई करेगा ना तो हमारी सेना तुम्हारे साथ है। बस हो गए दोनों खुश। कौन कौन सुझाव तो ला सालम। युद्ध हुआ, 60,000 सेना थी इन तीनों की, और अंग्रेज सैनिक कुछ भी नहीं थे, मात्र 20,000 थे। 23 अक्टूबर, वो 23 जून था, ध्यान रखना, वो कौन सा था, 23 जून, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध। नहीं, अभी ये हेक्टर मुंडो ने लड़ा था। ये युद्ध किसने लड़ा था? हेक्टर मुंडो ने लड़ाया था, ध्यान रखेंगे। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध बिहार की भूमि पर हुआ, और जब ये युद्ध हुआ ना तो तुम्हारे सुझाव तो आनंद थे, किसकी तरफ हो गए? अंग्रेजों की तरफ हो गए। अकेला बचा कौन? मीर कासिम। मीर कासिम युद्ध लड़ते रहा, सेना मारी गई। जब मीर कासिम को भी लगा ना, क्या लगा, कि अब हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो ये भी तुरंत क्या हुआ, घोड़ा लिया और घोड़े पर बैठकर तुरंत भाग गया, और वहां से बिल्कुल विलुप्त तो हो गया, गायब हो गया, इतिहास में कोई मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन वह इस युद्ध में नहीं मारा गया था, मारा नहीं गया था। तो इस प्रकार किसका नहीं, इसका नहीं, वो मीर मदान और वो उसके थे, मैं बता दिया था उनके बारे में। मीर मदान और जो थे मोहनलाल मीर मदान, वो किसके थे? सराजुद्दौला। अब ये युद्ध हुआ ना, बक्सर का युद्ध, यह भारत का अंतिम प्रयास था, अंग्रेजों को भगाने का अंतिम प्रयास था यही, इसके अलावा कोई प्रयास नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। फिर तो डायरेक्ट 1857 की क्या होती है, क्रांति ही होती है, और अंग्रेजों को भगाने का यह अंतिम प्रयास था जो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और इस बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने विजित कर लिया, और इसे विजित करने के बाद इनका पूरा बंगाल बिहार पर क्या हो गया, अधिकार हो गया, और स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते थे, शासन कर सकते थे। आप यहां ध्यान रखें, मैंने बताया था जो मीर कासिम था यह 1760 में क्या बैठा, बंगाल की गद्दी पर बैठा, और 63 तक रहा, तो 63 तक रहा, तो फिर कौन रहा बंगाल का नवाब? तो आप यहां ध्यान रखेंगे, जो मीर जाफर था, वही मीर जाफर जो पेंशन पर रख रखा था, पेंशन पर रख रखा था ना, तो ये 1763 में इसने मुंगेर को छोड़कर कहां चला गया था, दिल्ली गया था। तो तुरंत जब खाली हो गया था मुंगेर, तो 1763 से 1765 तक इस बीच में कौन बैठा दिया था, जो पेंशन पर था पुराना नवाब मीर जाफर बैठा दिया था। और 1765 में हृदयघात की बीमारी होने के कारण मीर जाफर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार यह बक्सर के युद्ध को विजित कर देते हैं, और इसी युद्ध के बाद वास्तव में जो अंग्रेज शासक थे इनके साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, और धीरे 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 पूरे देश को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल में ले लेते हैं, नियंत्रण में ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हेक्टर मुंडो जो था वह युद्ध को तुरंत होते ही चला गया। अब सुझाव दो लाख सहालम द्वितीय का क्या था, बोले अब हमें चाहिए अंग्रेजों का। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ज्यादा होशियार था, इसे दोबारा भारत भेजा गया। 1764 में क्या आया था, युद्ध होते ही तुरंत भारत आया था, और तुरंत भारत आते ही 1765 ईस्वी में इनके मते एक संधि होती है जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। देख लो 1765 में इलाहाबाद की संधि किस किसके मध्य हुई थी, अंग्रेजों के मध्य और सुजाउद्दौला सहारन द्वितीय, और रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से। सुजाउद्दौला तो मीर कासिम तो चला गया था, सुजाउद्दौला और कौन बचा, सहारन द्वितीय, ये दोनों एक तरफ और अंग्रेज लोग एक तरफ, जिसे इलाहाबाद की प्रसिद्ध संधि कहा। अब देखना है संधि का कारण, 1765 में हुई थी, अब इस संधि का कारण देखना, समझना क्या क्या था, 1,00,000 पेंशन है ना, 20,000 सैनिकों के लिए पेंशन,
उसके अलावा 70% बंगाल से क्या राजस्व। अब जब संधि हुई है रॉबर्ट क्लाइव आया, बड़ा होशियार था ये, इसने कहा बोले आप चिंता क्यों कर रहे हो, जो कह दिया ना वो कह दिया, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोले फिर संधि किस बात की हो रही है, बोले लिखित में दो। अब ये सुझाव दो रहा था ना, बड़ा होशियार था ये भी कहा मानने वाला, बोले लिखित में चाहिए हमें ये सब, ऐसे थोड़ी है मुंह से बोलने से क्या होने वाला है। तब इलाहाबाद की संधि हुई, तो इस रॉबर्ट क्लाइव ने कहा देखो जो हेक्टर मुंडो आपसे कह गया ना वो तो हो गया, उसे तो लिखित में लेने की जरूरत नहीं है, और पहली बार में दे दी उसे, ऐसे युद्ध समाप्त हुआ, उसे पैसा दे दिया, जो सैनिक मारे गए उनका पैसा दे दिया गया। तो इनको भी लगा कि ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, यही देंगे, ईमानदारी है इनके पास। और इन्होंने लिखित में इस्लामाबाद की संधि में क्या दिया, पहली शर्त ये दही क्या दी कि हम कभी अवध पर आक्रमण नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? अंग्रेज लोग। अगर कोई अन्य शक्ति भी करेगी तो हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। दूसरी में सहारनपुर की से बोल दिया आप आराम से जिंदगी भर बैठे रहिए दिल्ली की गद्दी पर, आप पर कोई विदेशी शक्ति या देशी शक्ति आक्रमण के हम आप, बस उन्हें बहका दिया गया। और एक बार वो सब भत्ता मिलने के बाद फिर इन्हें कभी कुछ नहीं मिला, देने वाले थे अंग्रेज, कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अपना काम निकालते थे। इसी के बाद यहाँ 1764 में, 1764 से लेकर आप ध्यान रखेंगे 1773 तक यहाँ का बंगाल का जो गवर्नर रहा वह रहा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1764 से कब तक रहता है, 1773 तक रहता है, और यह भारत में द्वंद्व शासन प्रणाली चलाता है, पॉलीमार्की चलाता है। तो हम इसे समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि द्वंद्व शासन प्रणाली क्या होती है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल से इन गवर्नर जनरल को स्टार्ट करते हैं पूरा। रॉबर्ट क्लाइव 1764 से कब तक आता है, 73 तक, और इसके बाद कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कल जो कवर करेंगे हम रॉबर्ट क्लाइव की नीतियों को और वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों को, इसके अलावा मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, इन सबको क्लियर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।